इंडियन आइडल पर इस हफ्ते सेट पर बहुत सारा धमाल हुआ। इस हफ्ते सेट पर कई सारे मेहमान पहुंचे, जिनमें स्ट्रीट डांसर 3D की स्टार कास्ट वरुण धवन और श्रद्धा कपूर पहुंचे। साथ ही कंगना रनौत स्टारर मूवी पंगा की स्टार कास्ट भी सेट पर पहुंची। वहीं इंडस्ट्री के गोल्डन मैन बप्पी लाहिरी भी सेट पर पहुंचे। शनिवार रविवार को हुए इस एपिसोड में एक तरफ जहां वरुण और श्रद्धा के गाने कंटेस्टेंट ने गाए, वहीं दूसरी ओर बप्पी लाहिरी के गानों की सेट पर धूम मची। वरुण और श्रद्धा अपनी फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के प्रमोशन के लिए पहुंचे। कंगना भी बाकी स्टार कास्ट के साथ फिल्म पंगा के प्रमोशन के लिए आई थी। बप्पी लाहिरी इंडस्ट्री में अपनी गोल्डन जुबली कंप्लीट होने पर इंडियन आइडल के सेट पर पहुंचे थे, जहां बप्पी दा को 50 साल पूरे होने पर ट्रिब्यूट दिया गया। बप्पी दा के सामने सभी कंटेस्टेंट ने उनके गाने गाए। ऐसे में कंटेस्टेंट पावर हाउस रोहित ने पग घुंघरू बांध गाया, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश नजर आए। जहां रोहित की इस परफॉर्मेंस पर कंगना ने ठुमके लगाए, तो वहीं बप्पी दा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने ये गाना गाया, तुमने बड़ी ही खूबसूरती से इस गाने को निभाया। बिना सीखे इस गाने को कोई नहीं गा सकता। ये गाना नहीं बन सकता था अगर किशोर दादा नहीं होते, उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था। किशोर कुमार जी जैसा कोई नहीं हो सकता, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही आए थे और चले गए। बप्पी दा ने यहाँ पर फेमस डांसर माइकल जैक्सन को याद करते हुए कहा कि वो भी एक आए थे और एक चले गए। रोहित की परफॉर्मेंस की सभी ने तारीफ की। इस एपिसोड में पूरा टाइम सेट पर बप्पी दा के गानों की धूम रही। इसके अलावा सेट पर बाकी सभी को और भी मस्तियां करते हुए देखा गया। रोहित की इस परफॉर्मेंस कंप्लीट होने के बाद रोहित बताते हैं कि शो के कंटेस्टेंट ऋषभ बहुत अच्छा गाते हैं, उन्हें कंपोज भी गाने बहुत अच्छे से करना आते हैं और वो लिखते भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है जिसमें उनका नॉलेज थोड़ा कम है। इस पर सब पूछते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसका ऋषभ को नॉलेज नहीं है। इस पर रोहित कहते हैं कि ये दिन में 2 बार खाना खाता है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये क्या खा रहा है। इसे सब्जियों के नाम नहीं पता कि ये कौन सी सब्जी है। अगर इसके सामने 10 सब्जियां रख देंगे तो उनमें से बमुश्किल ये 2 के ही नाम बता पाएगा। इसके बाद सेट पर लाई जाती है ढेर सारी सब्जियाँ और ऋषभ से पूछा जाता है कि ये कौन सी सब्जी है, जहाँ पर ऋषभ गोभी बताते हैं लेकिन ये नहीं बता पाते कि ये कौन सी गोभी है। इसके बाद जब ऋषभ को एक फली दिखाई जाती है और उनसे पूछा जाता है कि ये कौन सी फली है, इस पर ऋषभ उसे भिंडी बता देते हैं, जिस पर सभी लोग जमकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।